फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर कर आया हूं केमिस्ट्री का आप सभी के सामने। आपके इस नए वीडियो लेक्चर के अंदर आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, जो कि सीबीएसई क्लास 12 सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर आगे जाकर के बहुत ज्यादा यूज है उसका। एक ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर बहुत एक लॉ भी डिफाइन करा गया है, लेकिन अगेन उसकी इंपॉर्टेंस डिपेंड करती है कि आपको उसके बेसिक्स कितने अच्छे से आते हैं। सो फिलहाल आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और न्यू टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है वेपर प्रेशर। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं वेपर प्रेशर के बारे में। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि वेपर प्रेशर जो होता है वो लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है, क्योंकि वेपर लिक्विड से ही बनते हैं। सो चलिए अब हम लोग बात करते हैं वेपर्स के बारे में। एज यू कैन सी, वेपर्स लिक्विड से ही बनते हैं। सो एज यू ऑल नो कि वेपर्स बनने के लिए क्या होता है, वेपर्स कब बनते हैं लिक्विड में, व्हेन देयर इज अ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होगा तो वेपर्स बनेंगे, बिल्कुल सही। सो स्टूडेंट्स, वैसे तो आज का जो वीडियो लेक्चर है ये बेसिकली बात कर रहा है रॉल्स लॉ, यानी कि आज हम बात करने वाले बेसिकली सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर के बारे में। लेकिन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आप लोग तभी समझ पाएंगे जब आपको बेसिक वेपर प्रेशर के बारे में पता होगा कि लिक्विड्स में ये प्रॉपर्टी आती है तो किस वजह से आती है और क्या क्या रीजन होते हैं उसके। तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए हम जैसे कि देख सकते हैं कि यहां पर मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। आपको पहले डायग्राम समझना पड़ेगा, और एज यू कैन सी कि वेपर प्रेशर जैसी प्रॉपर्टी समझने के लिए आपको एक लिक्विड के अंदर कंपैरिजन करना है दो अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स की। ये है दोनों के दोनों लिक्विड के ही पार्टिकल्स, लेकिन एक पार्टिकल है सरफेस पर एज यू कैन सी, और दूसरा पार्टिकल है आपका बल्क में। कहां पर है, बल्क पर है। एज यू कैन सी है स्टूडेंट्स की अब मैं इस लिक्विड के यहां पर बारे में बात कर रहा हूं, और यहां पर मैं आप दो अलग अलग वेसल में सेम लिक्विड लेके चल रहा हूं, और फर्क है तो सिर्फ किस चीज का, एक में है आपका ओपन वेसल और दूसरे में है आपका क्लोज्ड वेसल। जी हाँ, एक है ओपन वेसल, दूसरा है क्लोज्ड वेसल। एज यू कैन सी इन ओपन वेसल कंपैरिजन है सरफेस पार्टिकल और बल्क पार्टिकल। अब बल्क पार्टिकल उसे बुलाते हैं स्टूडेंट जो कि बल्क में, जो कि मीडियम के अंदर प्रेजेंट हो। एज यू कैन सी ये पार्टिकल लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है, और ये सभी पार्टिकल लिक्विड के सरफेस पर प्रेजेंट है। सो ये बल्क पार्टिकल, क्योंकि इसकी तरफ आप देख सकते हो कि इसके चारों तरफ एक ही तरीके के पार्टिकल्स, एक ही तरीके के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होंगे। और आप सभी लोग जानते हो कि लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, 11th क्लास सीबीएसई क्लास 11th में आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा होगा कि लिक्विड्स की प्रॉपर्टी होती है कि पार्टिकल की लिक्विड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखा जाता है। पार्टिकल्स, लिक्विड पार्टिकल्स ऑलवेज हैव अ स्लाइटली हायर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर मैं गैस से कंपैरिजन करूं तो गैस पार्टिकल्स पे याद रखिएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिल्कुल नहीं होती, अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होता, लेकिन लिक्विड पार्टिकल पर थोड़ी बहुत अट्रैक्शन फोर्स देखी जाती है, इसलिए दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। का वॉल्यूम हमेशा डेफिनेट होता है, हाँ शेप फिक्स नहीं होती लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट होता है। सो एज यू कैन सी ये जो बल्क पार्टिकल है इसको चारों तरफ से सभी लिक्विड पार्टिकल्स ने घेरा हुआ है, जिसकी वजह से इस पार्टिकल के पास दो चीजें बहुत कॉमनली देखने को मिलेगी। पहला, काइनेटिक एनर्जी इसकी बहुत कम होगी। काइनेटिक एनर्जी पे थोड़ी देर में मैं आपको लाऊंगा कि काइनेटिक एनर्जी में क्यों कम बोल रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ एज यू कैन सी कि इस पार्टिकल पर हर तरफ से इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। एज यू कैन सी कि इसको हर तरफ से, क्योंकि चारों तरफ सेम पार्टिकल्स है, और चारों तरफ अगर सेम पार्टिकल्स होंगे तो क्या होगा, चारों तरफ अगर सेम पार्टिकल्स होंगे तो सभी के सभी पार्टिकल हर तरफ से सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होंगे उसके ऊपर। सो एज यू कैन सी कि यहां पर इसके ऊपर हर तरफ से सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, जिसकी वजह से पार्टिकल कहीं भी मूव नहीं कर पाएगा, ये पार्टिकल जहां पर है वहीं पर रहेगा, राइट। अब इसकी तरफ बात करते हैं एक सरफेस पार्टिकल के बारे में स्टूडेंट्स। एज यू कैन सी ये सरफेस पार्टिकल, और आप देख सकते हो कि ये सरफेस पार्टिकल सरफेस पर है, और आप सभी लोग जानते हैं कि ये ओपन वेसल है, तो इस सरफेस के ऊपर सारे आपको क्या मिलेंगे,
इस सरफेस के ऊपर आपको मिलेंगे एयर के पार्टिकल्स भी। किस क्या मिलेंगे आपको? एयर के पार्टिकल। एज यू नो एयर कंसिस्ट वेरियस टाइप ऑफ गैसेस, एयर के अंदर अलग अलग तरीके की गैस पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल सही। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था दैट एयर पार्टिकल या गैस पार्टिकल्स हैव काइनेटिक एनर्जी। इंटरमॉलिक्यूल फोर्स तो होती ही नहीं है लेकिन उनके पास काइनेटिक एनर्जी जरूर होती है। सो नाउ व्हाट गोना हैपन, एज यू कैन सी स्टूडेंट्स, कि ये जो सरफेस पार्टिकल है इसका जो क्या लीजिए इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन होगा वो बल्क पार्टिकल से थोड़ा सा अलग होगा। कैसे अलग होगा? पहली चीज कि ये जो सरफेस पार्टिकल है इसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन ऑफ बल्क पार्टिकल। कंपैरिजन भी इन दोनों में कर रहे हैं हम, राइट? अभी हम इन दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं कि सरफेस पार्टिकल की एनर्जी बल्क पार्टिकल जो मीडियम के अंदर प्रेजेंट है उसके ऊपर एनर्जी ज्यादा होगी सरफेस पार्टिकल की। क्यों? क्योंकि एज यू कैन सी मैंने लिख भी रखा है हाई काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इंटरैक्शन विद एयर पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स लगातार एयर के कॉन्टेक्ट में रहेंगे। अब एयर की कॉन्टेक्ट में रहने से क्या मतलब निकलता है? एयर की कॉन्टेक्ट में रहने से मतलब निकलता है स्टूडेंट्स कि एयर के पार्टिकल्स एज यू ऑल नो कि गैस पार्टिकल हमेशा रैंडम मोशन में चलते रहते हैं और ये एयर पार्टिकल्स रैंडम मोशन के दौरान हमेशा क्या करेंगे? इस लिक्विड पार्टिकल को स्ट्राइक करेंगे और थोड़ी सी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इस लिक्विड पार्टिकल को ट्रांसफर कर देंगे और वही काइनेटिक एनर्जी ये सभी पार्टिकल धीरे धीरे करके ले रहे होंगे किससे? एयर के पार्टिकल से। सो होगा क्या कि ओवरऑल अगर मैं एयर पार्टिकल्स की बात करूं क्योंकि उनके नंबर ज्यादा होते हैं तो अगर मैं एयर पार्टिकल्स की बात करूं तो उनके पास ज्यादा एनर्जी फर्क नहीं आएगा उनकी एनर्जी में। अगर मान लो एयर पार्टिकल इस सरफेस पार्टिकल लिक्विड के सरफेस पार्टिकल से स्ट्राइक भी करता है तो ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। एज यू कैन सी कि यहां पर जो ओवरऑल एयर पार्टिकल्स उनकी जो ओवरऑल अगर मैं एवरेज एनर्जी निकालूंगा तो वो लगभग लगभग सेम ही रहेगी, ज्यादा फर्क नहीं आएगा उसमें। लेकिन होगा क्या? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, याद रखिएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये पार्टिकल्स स्ट्राइकिंग चलती रहेगी, इन पे चलती रहेगी और कुछ एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये पार्टिकल सफिशिएंट एनर्जी ले लेंगे और इवेपोरेट कर जाएंगे। क्या ले जाएंगे? इवेपोरेट। क्यों? क्योंकि देखिए पहला कारण तो यही कि काइनेटिक एनर्जी इनको मिल रही है कहां से? एयर से, राइट? धीरे धीरे करके गेन करेंगे लेकिन गेन करेंगे जरूर। और दूसरा एज यू कैन सी ये दे ऑल एक्सपीरियंस अनइक्वल फोर्स, इनके ऊपर अनइक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एज यू कैन सी कि इन सभी पार्टिकल्स के ऊपर अंदर की तरफ लिक्विड पार्टिकल्स तो फोर्स लगाएंगे लेकिन इस फोर्स को नलिफाई करने के लिए ऊपर कोई और पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, ऊपर कोई और लिक्विड पार्टिकल नहीं जो इसके ऊपर फोर्स लगाए। सो अगर मैं कंपैरिजन करूं बल्क पार्टिकल और सरफेस पार्टिकल के ऊपर, सो आप देख सकते हैं कि सरफेस पार्टिकल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होगा। आई रिपीट, थोड़ा सा कम होगा इन कंपैरिजन ऑफ बल्क पार्टिकल क्योंकि इसके ऊपर हर तरफ से फोर्स लग रहा है लेकिन सरफेस पार्टिकल पर फोर्स सिर्फ ऊपर से लग रहा है और कहीं से नहीं। सो एज यू कैन सी कि ये पार्टिकल पे सिर्फ अनइक्वल फोर्स लगने की वजह से इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। तो ध्यान सुनेगा स्टूडेंट, मैं जो बताने जा रहा हूं आपको कि दीज आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट फैक्टर्स जो कि डिफाइन करते हैं किसी भी लिक्विड का वेपर का बनना। वेपर प्रेशर नहीं, वेपर का बनना, इवेपोरेशन की बात हो रही है, राइट? सो एज यू कैन सी कि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा क्यों थी? क्योंकि एयर के कॉन्टेक्ट में था। लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स क्यों है? क्योंकि अनइक्वल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सिर्फ नीचे से अट्रैक्शन मिल रहा है ऊपर से नहीं मिल रहा। जिसकी वजह से आप देखिए जब किसी पार्टिकल को मैं एनर्जी दे दूं तो एनर्जी का मतलब क्या है कि अगर उस किसी पार्टिकल पर काइनेटिक एनर्जी है तो उसके पास क्षमता है, टेंडेंसी है क्या करने की? अपने आप को मूव कराने की। इट नाउ इट हैज अ टेंडेंसी टू मूव फ्रीली और लिक्विड फॉर्म में तो फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा। प्लस फोर्स भी ज्यादा नहीं लग रही है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी बहुत कम ही लग रही है सरफेस पार्टिकल पे। सो ये दोनों ही फैक्टर्स फेवर कर रहे हैं इस पार्टिकल को क्षमता दे रहे हैं, टेंडेंसी दे रहे हैं क्या करने की? लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट होने में, किसकी? गैस फॉर्म में। कि अब ये पार्टिकल लिक्विड फॉर्म में ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला, ये थोड़ी देर में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। आई रिपीट, ये अब कुछ देर में वेपर में कन्वर्ट होगा, गैसियस फॉर्म ले लेगा ये। और गैसियस फॉर्म लेते ही ये भी गैस पार्टिकल की तरह फ्रीली मूव करना शुरू करता रहेगा। अब यही सेम फंडामेंटल यहां पर भी काम करेगा। एज यू कैन सी दूसरी तरफ मैं लेके चल रहा हूं क्लोज्ड वेसल। जी हाँ, दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स क्लोज्ड वेसल के बारे में।
सो एज यू कैन सी कि क्लोज वेसल में भी कहानी लगभग लगभग सेम है, जो कहानी ओपन वेसल में थी वही क्लोज वेसल में भी है, बट द डिफरेंस अब आता है इनमें। अब इनमें डिफरेंस समझते क्या होता है। अगर आपका वेसल ओपन था, यस स्टूडेंट्स, अगर आपका वेसल ओपन था तो ओपन वाले केस में लिक्विड पार्टिकल, जो सरफेस का पार्टिकल था, वो वेपर बनेगा और इमिडिएटली स्केप आउट करके बाहर निकल जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसे कवर तो कर नहीं रखा, तो पार्टिकल अंदर तो रहेगा नहीं, जैसे ही बनेगा वो बाहर निकल जाएगा, फिर कुछ नए पार्टिकल सरफेस पे आएंगे, फिर वो वेपर बनेंगे और वो भी स्केप आउट कर जाएंगे, फिर नए पार्टिकल आएंगे और फिर वो स्केप कर जाएंगे। तो बेसिकली ओपन वेसल में, याद रखिएगा, ओपन वेसल में पार्टिकल्स क्या करेंगे, पार्टिकल्स स्केप आउट, पार्टिकल्स आपके स्केप करके बाहर चले जाएंगे। लेकिन वहीं अगर क्लोज वेसल में बात करी जाए तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो याद रखिएगा, क्लोज वेसल बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, कि अब इस क्लोज वेसल में क्या होगा यह जानना जरूरी है। वो सारी कहानी जो ओपन वेसल में थी वो सब कुछ यहां पर भी चलेगा। क्यों? क्योंकि अब आपको लग रहा होगा सर क्लोज वेसल है तो सर एयर पार्टिकल तो आएंगे नहीं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्यों नहीं आएंगे भैया? जब तुम किसी बॉटल को, लाइट से वाटर की आपकी बॉटल है, आपने उसको आधा पानी करके भरा भरा आपने उसका आधा पानी आपने पिया, या उसको बंद करके रख दिया लाइट से, तो अगर उस बॉटल को अगर आपने आधा भरा हुआ है और आपने उसे कैप से बंद भी कर रखा है, तो उसके ऊपर सारा आगे ऊपर क्या होगा, एयर ही तो होगी। ऐसा तो नहीं, आपने वहां पे वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है, सो वहां पर एयर तो रखी हुई होगी, बिल्कुल बात है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि अगर वेसल क्लोज कर रहे हैं तो भैया यहाँ तो एयर लिक्विड पार्टिकल है, यहाँ सारा वैक्यूम है। नहीं, यहाँ वैक्यूम नहीं होगा, यहाँ क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ आपका एयर का पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा। तो बेसिकली यहाँ बात हो रही है कि जब वेसल को क्लोज कर देते हैं सब क्या देखा जाएगा। सो एज यू कैन सी स्टूडेंट्स, कि अब यहां पर इस क्लोज वेसल में लिक्विड पार्टिकल जो कि सरफेस का पार्टिकल था, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम थी, ये वेपर में कन्वर्ट तो होगा बट अब वो स्केप नहीं कर पाएगा। यहाँ पार्टिकल स्केप कर रहा था, रिपीट कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पार्टिकल स्केप नहीं करेगा। सो एज यू कैन सी नाउ पार्टिकल्स, और आई शुड से वेपर ऑफ द लिक्विड, वेपर ऑफ द लिक्विड कांट स्केप, अब वो स्केप नहीं कर पाएंगे। जी, अब लिक्विड के पार्टिकल स्केप नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से अब क्या होगा, ये पार्टिकल्स मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वेसल क्लोज करने के साथ साथ हमने इनकी जो मूवमेंट थी, इनके जो फ्री होने की टेंडेंसी थी, जो हिलने की इनकी क्षमता थी, उसे हमने क्या कर दिया, रोक दिया, कंस्ट्रेंट लगा दिया, लिमिटेशन लगा दिया। कैसे? कि भैया अब पार्टिकल, जैसी पार्टिकल के वेपर बने उनको जगह तो मिल नहीं रही, और वेपर बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, यानी कि अब इस क्लोज वेसल में स्टूडेंट्स एज यू कैन सी कि इवेपोरेशन तो चल ही रहा था, आपके लिक्विड के सरफेस पार्टिकल तो क्या हो रहे थे, वेपर बना ही रहे थे, क्योंकि एयर पार्टिकल तो थोड़े बहुत है ही, और वो अगेन और ओवरऑल कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी सरफेस के पार्टिकल को दे रहे होंगे, जैसे इस वाले केस में दे रहे थे। बट कुछ टाइम बाद अब यहां क्या होगा, क्योंकि वेसल अब क्लोज है आपका, कुछ टाइम बाद ये जो वेपर के पार्टिकल फ्री फॉर्म में मूव कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद अब ये शो करेंगे आपको क्या, ये करना शुरू करेंगे कंडेंसेशन। कैसे शुरू करेंगे कंडेंसेशन? जब ये पेपर का पार्टिकल अपनी वेपर फॉर्म में यहां मूव कर रहा होगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है तो सही, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी ज्यादा देर तक रख नहीं पाएगा, कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहेगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये कंडेंस भी कर जाएगा, कंडेंस कर जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ टाइम के बाद काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम होती रहेगी, क्योंकि अगर मान के चलो यहाँ एयर के पार्टिकल लिमिटेड है, क्या है, एयर पार्टिकल्स लिमिटेड है, जिसकी वजह से इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी मिली हुई है वो भी इसको बहुत लिमिटेड मिली हुई है। यहाँ तो एयर पार्टिकल्स क्या थे, इनफिनाइट थे, ओपन वेसल था तो इनफिनाइट एयर पार्टिकल्स था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ क्लोज वेसल है तो एयर पार्टिकल्स अगर लिमिटेड है तो इन वेपर्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी पहुंची होगी वो बहुत लिमिटेड होगी, लिमिटेड से मतलब है बहुत कम काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो बहुत कम टाइम तक के लिए मूव कर पाएंगे, और कुछ टाइम बाद जब उनकी काइनेटिक एनर्जी अपने मोशन के दौरान खत्म कर रहे होंगे, डिसिपेट हो रही होगी, तो कुछ टाइम बाद वो कंडेंस कर जाएंगे। सो बेसिकली इस क्लोज वेसल में स्टूडेंट्स एज यू कैन सी अब एक दो अपोजिंग फैक्टर इंक्लूड हो चुके होंगे, और इन अपोजिंग फैक्टर में अब क्या होगा, अब एक इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। क्या स्टैब्लिश हो जाएगा स्टूडेंट्स? एक इक्विलिब्रियम। वो कैसे? लिक्विड से पहले वेपर बन रहे थे जो कि ऑब्वियस बात है बनेगा और इवेपोरेशन चलेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद वेसल क्लोज होने की वजह से अब ये वेपर वापस कंडेंस होकर क्या दे देंगे, लिक्विड दे देंगे। क्या दे देंगे?
लिक्विड पार्टिकल्स देना शुरू कर देंगे, और यहां से आपको समझ में आ रहा होगा इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों अपोजिंग फैक्टर है, जिसकी वजह से अब इन दोनों के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एक इक्विलिब्रियम। बिल्कुल सही कहा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा स्टूडेंट। सो अब यहां पर इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्यों? वेसल क्लोज है, ओपन था तो कोई दिक्कत नहीं थी, वेपर बन रहे थे जा रहे थे, वेपर बन रहे थे जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। क्लोज में ऐसा नहीं होगा, समझ रहे? आई होप, राइट। सो अब क्या होगा, अपोजिंग फैक्टर इन्वॉल्व हो चुके हैं, वेसल क्लोज है, क्लोज वेसल याद होगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन बताई थी मैंने आपको स्टूडेंट, कि इक्विलिब्रियम एक क्लोज वेसल में ही अचीव करा जा सकता है, ओपन वेसल में कभी भी इसको अचीव नहीं कर सकते हम, राइट। तो याद रखिएगा कि यहां पर अब दो अपोजिंग फैक्टर इन्वॉल्व हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब इन दोनों में ही इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, और जब ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो कुछ टाइम बाद यही वेपर्स, आई रिपीट, यही वेपर्स इस लिक्विड के सरफेस पर क्या डालेंगे, प्रेशर डालेंगे, क्या डालेंगे, प्रेशर डालेंगे। एंड व्हेन दीज लिक्विड पार्टिकल स्टार्ट एक्सर्टिंग प्रेशर ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड, सो इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स, इसी को हम लोग बुलाते हैं वेपर प्रेशर। बिल्कुल सही कहा आपने, यही जो वेपर, जो लिक्विड के वेपर पहले बने यहीं पे रहे, फिर यही वेपर क्या करेंगे, लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर डालेंगे, और इसी प्रेशर को हम लोग बुलाते हैं वेपर प्रेशर। आई होप समझ में आ रहा होगा, इसी प्रेशर को स्टूडेंट्स हम लोग बुलाते हैं वेपर प्रेशर। सो क्या होता है वेपर प्रेशर, सबसे पहले ये जानते हैं। सो वेपर प्रेशर होता है आपका, मैं यहां पर लिख देता हूं, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ द लिक्विड ओवर इट्स सरफेस। जी हाँ, ओवर इट्स सरफेस, जी हाँ, ऐसे वेपर जो लिक्विड से ही बन रहे हैं और बाद में उसी सरफेस पे क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। स्टूडेंट्स फिर से बोल रहा हूं कि अगर मान लो यहां पर अगर आप इसको हटा दोगे तो अगेन ये कंडीशन ओपन वेसल वाली बन जाएगी, और वहां पे अगेन ये चीज आपको देखने को शायद ना मिले। सो द बेसिक फंडामेंटल हेयर इज कि भैया अगर कोई लिक्विड में वेपर प्रेशर मेजर करना होगा तो पहले चीज तो इक्विलिब्रियम रहेगा, क्योंकि वेसल को क्लोज करना पड़ेगा तभी वेपर प्रेशर को कैलकुलेट कर पाओगे, यहां नहीं कर पाओगे, यहां कर पाओगे। ऑलराइट, तो याद रखिएगा वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड क्या होता है, लिक्विड के वेपर द्वारा उसी के सरफेस पर डाला हुआ प्रेशर को ही हम लोग क्या बुलाते हैं, वेपर प्रेशर। और याद रखिएगा ये वेपर प्रेशर हर एक लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, स्टूडेंट याद रखिएगा ये वेपर प्रेशर हर एक लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। सो आई होप आपको इससे समझ में आ चुका होगा कि वेपर प्रेशर क्या होता है लिक्विड्स का, और अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे वो सभी फैक्टर्स के बारे में जिन पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। तो याद रखना वेपर स्टूडेंट सरफेस के पार्टिकल्स का वेपर बनने का जो कारण है वो ये दोनों कारण है, तो कहीं ना कहीं यही दोनों फैक्टर्स ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं किसी लिक्विड के वेपर प्रेशर पर फर्क डालेंगे, और वो कौन कौन से दो फैक्टर्स होंगे, कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी और इंटरमोलिकुलर फोर्स। जब फैक्टर्स पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल इसको आप लोग कॉपी कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, क्योंकि अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं, हटा दिया जाए। चलिए अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स उन फैक्टर्स के बारे में जिनके ऊपर वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का डिपेंड करता है। सो फैक्टर्स की बात करते हैं, फैक्टर्स की बात करते हैं, और सबसे पहला जो फैक्टर आता है स्टूडेंट्स वो आता है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड। बिल्कुल सही, याद रखिएगा ये नेचर ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करता है, और स्टूडेंट्स याद रखिएगा जब कभी भी हम लोग नेचर ऑफ द सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा केमिस्ट्री में नेचर से हमेशा मतलब होता है दो नेचर के सब्सटेंस के बारे में, एक होते हैं पोलर, दूसरे होते हैं नॉन पोलर, एक पोलर दूसरे नॉन पोलर। पोलर वो जिनमें डायपोल डायपोल इंटरैक्शन या आयन बनने की क्षमता हो,
या जिनमें किसकी क्षमता हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाने की, क्या दिखाने की, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाने की। लेकिन नॉन पोलर वो होते हैं जिनके अंदर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है, क्या होती है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस देखी जाती है किसके अंदर, नॉन पोलर सब्सटेंस में, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। सो पोलर वो जिसमें पोलैरिटी है, और पोलैरिटी की वजह से उन सब्सटेंसेस के पास क्षमता आ जाती है किसकी, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की। जैसे कि लाइट से आपका इसके अंदर वाटर आ जाता है, आपका मिथाइल अल्कोहल आ जाता है इसके अंदर, आप लोगों का इथाइल अल्कोहल और आप लोगों का एसिड्स इसके अंदर आ जाते हैं काफी सारे। तो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ पोलर सब्सटेंसेस, ये सारे के सारे पोलर सब्सटेंसेस कह सकते हैं। लेकिन नॉन पोलर की बात करें तो नॉन पोलर में कौन कौन आ जाता है, जैसे कि आपका एसीटोन, आपके पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स के एग्जाम्पल होते हैं, आपका बेंजीन हो जाता है और वगैरह वगैरह। यानी कि मोस्टली आपके जो ऑर्गेनिक लिक्विड्स होते हैं, याद रखिएगा ज्यादातर ऑर्गेनिक लिक्विड स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, नॉन पोलर, जबकि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जनरली पोलर देखे जाते हैं। सो याद रखिएगा यहां पर अगर हम ओवरऑल कंसेप्ट की बात करें तो ओवरऑल कंसेप्ट यहां पर आपको यही बता रहा है कि भैया पोलर और नॉन पोलर को कैसे डिफाइन करें, और नेचर से भी यहां पर हमारा यही मतलब है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहां में जहां पर जहां पोलैरिटी होती है, तो याद रखिएगा ऐसे केस में दे हैव हाई इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इनकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती है। अब देखिए सिंपल सा मतलब है कि लेट से अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स स्टूडेंट मान लो ज्यादा है, राइट, तो क्या रीजन होगा। अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया था दो चीजें, पहली कि काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स याद रखिएगा, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देता हूं मैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नेचर में अट्रैक्टिव होती है। तो बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से मेरा मतलब है अट्रैक्शन फोर्सेस, आपके पार्टिकल्स में कैसा अट्रैक्शन फोर्स है उसके बारे में बात हो रही है, राइट। सो यहां पर आपकी लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी रहनी चाहिए, ये भी रहनी जरूरी है यहां पर, तभी बात बन पाएगी। So as you can see students कि इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ी ज्यादा होती है, और यहां पर तो आप देख ही रहे हो कि वीक फोर्स है, बहुत वीक फोर्स, जैसे कि वीक वैन डर वाल फोर्सेस देखी जाती है जनरली इनके अंदर, राइट। सो वीक फोर्स है जिससे क्या होगा, इनको मैं बोल सकता हूं कि दे हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो व्हाट गोना हैपन से स्टूडेंट से क्या होगा, एज यू कैन सी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको एक्सप्लेन किया था कि भैया वेपर प्रेशर इन दो फैक्टर पे ही डिपेंड करेगा, लॉजिकली सोचा जाए तो, क्योंकि यही दोनों मेन फैक्टर है किसी लिक्विड के सरफेस पार्टिकल के वेपर बनने में, इन दोनों का हाथ है। तो मतलब ये अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम रखनी होगी तभी तो वेपर बन पाएगा। मान लीजिए कोई दो पार्टिकल्स है, अगर उन दो पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो आप ही मुझे बताइए क्या वहां लिक्विड पार्टिकल वेपर में बन पाएगा। आंसर इज नो, वहां पे उसको वेपर में बनने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है स्टूडेंट्स, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है पार्टिकल्स में, सो इन दैट केस पार्टिकल को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्ड नहीं कर पाएगी लिक्विड फॉर्म में, और इन दैट केस आपका पार्टिकल आराम से क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया कि ज्यादा वेपर का मतलब ज्यादा वेपर प्रेशर, और यहां पर इस केस की अगर मैं बात करूं तो इस केस में वेपर बनने की क्षमता बहुत कम देखी जाएगी। अगर मैं वाटर का भी एग्जांपल लूं स्टूडेंट्स, तो वाटर का एग्जांपल लेकर के हम समझ सकते हैं कि कभी आपने देखा होगा कि मान के चले आपने किसी बोतल को आधा भरा हुआ है, पार्शियल भरा हुआ है, और उस बोतल को आपने बंद कर रखा कैप से, और अगर आप उस बोतल को बहुत लंबे टाइम तक के लिए, आधा दिन या एक दिन तक के लिए अगर उस छोड़ते हो आप, तो उसके अंदर कुछ टाइम बाद देखोगे कि उसकी इनर वॉल्स पे वाटर की ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी। वो क्यों आ गई है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो चुका है, पार्टिकल इकट्ठे हो गए, किसकी वजह से, वेपर प्रेशर की वजह से। टाइम लगा लेकिन वेपर्स बने, लेकिन कुछ टाइम बाद वेपर बनके वॉल के आसपास चिपक गए, जिसकी वजह से उसके आसपास कंडेंसेशन चल रहा होगा, और आपको देखने को भाप, आपको स्टीम वगैरह देखने को मिलती होगी बोतल के आसपास अंदर की तरफ। तो क्यों बन रही है, वो इसी की वजह से बन रही है, वो वेपर प्रेशर की वजह से ही बन रही है, राइट। तो यहां से आप पिक कर पा रहे हो कि बात हो रही है तो किस बारे में बात हो रही है, ओके।
सो नाउ एज यू कैन सी स्टूडेंट्स कि इंटर मॉलिक्यूल फोर्स का लेना देना है सिंपल सिंपल नेचर ऑफ द सब्सटेंस से. तो याद रखिएगा नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करता है आपका वेपर प्रेशर वाइन. और जो दूसरा फैक्टर यहां पर आता है स्टूडेंट्स वो आता है टेम्परेचर. याद रखिएगा टेम्परेचर. और याद रखना टेम्परेचर का डायरेक्ट लिंक है किससे? काइनेटिक एनर्जी. याद रखिएगा स्टूडेंट फिर से रिपीट कर रहा हूं टेम्परेचर का डायरेक्ट लिंक होता है काइनेटिक एनर्जी से. तो याद रखिएगा टेम्परेचर का मतलब है काइनेटिक एनर्जी. और मैंने जैसे लिख भी रखा है कि भैया अगर किसी लिक्विड के सरफेस पार्टिकल को वेपर में बनना है क्योंकि अगर पार्टिकल वेपर में नहीं बनेगा तो हो सकता है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम हो. और आई शुड से कि अगर वेपर ही नहीं बन रहा तो वेपर प्रेशर वो डाले ना तो वेपर में तभी बन पाएगा जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी. और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के लिए टेम्परेचर भी क्या रखना पड़ेगा? ज्यादा रखना पड़ेगा. याद रखिएगा स्टूडेंट्स ज्यादा रखना पड़ेगा. तो याद रखिएगा टेम्परेचर की अगर बात करें सो यहां पर हम बोल सकते हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. याद रखिएगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस. वी कैन कंक्लूड दिस कि वेपर प्रेशर भी आपका बढ़ेगा. तो यहां पर आप याद रखिएगा यही दो फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर आपका वेपर प्रेशर डिपेंड करता है. एक्चुअल फंडामेंटल यही दो कारण है वेपर प्रेशर बनने के या ना बनने के. आई होप समझ में आ रहा होगा, आप लोग पिक कर पा रहे होंगे. आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को फील आ रही होगी कंसेप्ट की मैं क्या बताना चाह रहा हूं. राइट चलिए सो इसे आप लोग कॉपी कर लीजिएगा. और इसके अलावा एक और चीज स्टूडेंट्स की काफी स्टूडेंट्स के पास डाउट रहता है कि क्या ये सर सरफेस एरिया पे, क्योंकि सरफेस के पार्टिकल्स की बात हो रही है तो क्या ये सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा या फिर सरफेस एरिया कहने का किस पे डिपेंड करेगा आपका? स्टूडेंट्स सरफेस एरिया आपका डिपेंड करेगा आपने की लिक्विड को किस तरीके के वेसल में रखा हुआ है. तो याद रखिएगा इसका सरफेस से कोई लेना देना नहीं है, सरफेस के एरिया से कोई लेना देना नहीं है. ज्योमेट्री ऑफ द वेसल या कंटेनर भी बोल सकते हैं, जो वेसल की ज्योमेट्री से इसका कोई लेना देना नहीं होता. तो याद रखिएगा यहाँ पे आपके जो कह सकते हैं वेपर प्रेशर का सिर्फ दो ही मेन फैक्टर है इसके अंदर, वो भी मॉलिक्यूलर लेवल पे ही है. शेप कैसी है वेसल की, सरफेस एरिया कितना है लिक्विड का, इससे उसको लेना देना नहीं है. क्योंकि देखिए प्रेशर की बात हो रही है और प्रेशर आप जानते हो फोर्स पर यूनिट एरिया होती है. तो एरिया पे तो एक ओवरऑल एरिया पर यूनिट एरिया में फोर्स तो सेम ही लगाएगा वेपर. तो हमें यहाँ पर सरफेस एरिया ओवरऑल सरफेस एरिया लेना होता, ओवरऑल जो प्रेशर रहेगा ओवरऑल लिक्विड पे चाहे वो सरफेस एरिया कम रखे या ज्यादा रखे वो ओवरऑल प्रेशर सेम लगाएंगे वेपर्स. राइट तो याद रखिएगा ये सारी कहानी होती है वेपर प्रेशर के बारे में. वेपर प्रेशर का कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए क्योंकि अब इसी पर बेस्ड हम बात करने जा रहे हैं. किसके बारे में? सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर के बारे में. और जैसा मैंने बताया कि वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा लिक्विड्स की प्रॉपर्टी होती है. आई रिपीट स्टूडेंट ये सिर्फ लिक्विड्स की ही प्रॉपर्टी होती है. चलिए अब इसको आगे हम रब कर देते हैं और फिर आगे देखते हैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर के बारे में. स्टूडेंट्स अब देखते हैं नाउ वी हैव हियर द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड. जी हाँ अब हम बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स के बारे में. और अब हमें बात करनी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग बुलाते हैं रॉल्स लॉ. जी हाँ अब हम बात करने जा रहे हैं रॉल्स लॉ के बारे में. और एज यू कैन सी मैंने लिखा हुआ है फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट. जी हाँ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वोलाटाइल सॉल्यूट का यहां क्या मतलब निकलता है स्टूडेंट्स. सो ध्यान सुनेगा, ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर हमारे पास दो तरीके के सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास वेपर प्रेशर होता है नॉट इक्वल टू जीरो की बात हो रही है, नॉट इक्वल टू जीरो राइट. सो जिन सब्सटेंस के पास स्टूडेंट वेपर प्रेशर होता है उन्हें हम बुलाते हैं वोलाटाइल सब्सटेंस. जी हाँ उन्हें बुलाते हैं वोलाटाइल सब्सटेंस. और याद रखिएगा जिन सब्सटेंसेस के पास वेपर प्रेशर नहीं होता, आई रिपीट जिन सब्सटेंस के पास वेपर प्रेशर नहीं होता, जिनका वेपर प्रेशर जीरो होता है उन्हें हम बुलाते हैं नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस. जी हाँ सो ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर वी हैव
two kind of substances, volatile and non-volatile. Volatile क्योंकि vapor pressure होना जरूरी है यहाँ पर, चाहे कम रहे या ज्यादा रहे, याद रखिएगा. अब volatile में भी दो category आ जाती है, less volatile या highly volatile, और less volatile या moderately volatile. So जैसे मैंने भी आपको example दिया था factors के अंदर, nature of the substance, nature of the liquid में, तो वहां पर मैंने जहां पर भी polarity वाले substances होते हैं, ऐसे liquid जिनमें polarity होती है वो सारे के सारे less polar होते हैं, और जिन सब्सटेंस के अंदर पोलैरिटी नहीं होती है, जो आराम से वेपर प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं, उन्हें हम हाईली वोलेटाइल सब्सटेंस कहते भी हैं. रॉल्स लॉ जो कि सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर की बात करता है स्टूडेंट्स, उसमें हमें वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों के बारे में बात करनी है. फिलहाल आज इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे वोलेटाइल सब्सटेंस के बारे में, देन लेटर ऑन वी आर गोइंग टू डिस्कस, अब से एक या दो वीडियो लेक्चर के बाद हम बात करेंगे नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस के बारे में, राइट? सो अभी हम लोग इसके बारे में ना करके जनरली ये याद रखिएगा सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं, क्योंकि सॉलिड सब्सटेंस नेवर हैव अ वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर, वेपर का मतलब ही क्या है, लिक्विड की बात हो रही है, तो वेपर प्रेशर लिक्विड की ही प्रॉपर्टी है, ना ये गैस की है ना सॉलिड की, लिक्विड की है. तो वोलेटाइल कहने का मतलब है कि हमारा जो सॉल्यूट है यहाँ पे स्टूडेंट्स, वो क्या है, लिक्विड है. क्या है, लिक्विड है. लिक्विड का क्या मतलब निकलता है आप, कि यहां पर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स ऐसे सॉल्यूशंस के बारे में जहां पर हम एक लिक्विड को किसमें डालेंगे, दूसरे लिक्विड में. किसमें डालेंगे, एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में डाला जाएगा, राइट? चलिए अब देखते हैं आगे. पहले बात करता है लॉ के बारे में स्टूडेंट्स, की लॉ क्या बोलता है, एंड देन वी विल डिस्कस इट लेटर, डिस्कस में करेंगे डिटेल में और, राइट? सो लॉ बोलता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड ओवर द सरफेस ऑफ अ सॉल्यूशन is directly proportional to its mole fraction. जी हाँ, बात हो रही है मोल फ्रैक्शन के बारे में, ऑफ दैट लिक्विड इन द सॉल्यूशन अंडर सेम कंडीशन. जी हाँ स्टूडेंट्स, याद रखिएगा सेम कंडीशन से मेरा मतलब है कि मैं बात कर रहा हूं यहां पर टेम्परेचर के बारे में, राइट? सो ये है लॉ की स्टेटमेंट, लॉ बोलता है ये. अब पार्शियल वेपर प्रेशर से क्या मतलब निकलता है और यहां पर मोल फ्रैक्शन क्या कर रहा है, इसके बारे में अब डिस्कस करना बाकी है. तो फिलहाल आप लोग स्टेटमेंट कॉपी कर लीजिएगा, मैं इसका मीनवाइल मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख देता हूं और फिर समझते हैं क्या होता है. सो एज यू कैन सी स्टूडेंट्स, बात हो रही है लिक्विड एंड लिक्विड के बारे में. सो यहां पर आपका सॉल्वेंट जो है वो भी लिक्विड होगा और सॉल्यूट जो है ये भी क्या होगा, लिक्विड होगा. सो लॉ बोलता है कि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन के. ए से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सॉल्वेंट को, बी से रिप्रेजेंट करेंगे सॉल्यूट को, और ये दोनों चीजें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी. नाउ व्हाट गोना हैपन नेक्स्ट, अब आगे क्या देखने को मिलेगा कि एज यू कैन सी, अगर हम सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर निकाल रहे थे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को, और अगर हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को. मोल फ्रैक्शन क्योंकि इसके बारे में मैं ऑलरेडी सॉल्यूशन सीरीज के सेकंड लेक्चर में बता चुका हूं, तो वो सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा, प्लीज आप सब लोग इस वीडियो लेक्चर को अभी यहीं पे स्टॉप करके पहले वो वीडियो लेक्चर देखिए, क्योंकि वहीं से आपको मोल कंसेप्ट का एक्चुअल फंडामेंटल कंसेप्ट समझ में आएगा. मोल फ्रैक्शन जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं, थोड़ा सा मैं आपको फिर से बता देता हूं कि मोल फ्रैक्शन किसी भी सॉल्यूशन का यही बताता है कि उस सॉल्यूशन में
कितने पार्ट सॉल्यूट के हैं और कितने पार्ट सॉल्वेंट के। अगर किसी भी सॉल्यूशन में, लेट्स से आपने कोई सॉल्यूशन तैयार करा ए और बी सब्सटेंस का, अगर मैं बोल रहा हूं कि ए सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, लेट्स से ए सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, तो इसका यह मतलब निकलता है स्टूडेंट्स कि वहां पर कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर ए सब्सटेंस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्ट्स उस सॉल्यूशन में ज्यादा होंगे। तो याद रखिएगा मोल फ्रैक्शन यहां पे क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके सॉल्यूशन की कंपोजिशन, कि सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है सॉल्यूट के, सॉल्वेंट के, क्या क्या रेशियो है इनके अमाउंट का, ये रिप्रेजेंट करता है आपका मोल फ्रैक्शन। इसीलिए यहां पर हम लोग मोल फ्रैक्शन को लेकर के चल रहे हैं। मोल फ्रैक्शन ज्यादा का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि उस सब्सटेंस की क्वांटिटी सॉल्यूशन में ज्यादा है, और मोल फ्रैक्शन अगर कम है तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के नंबर ऑफ पार्टिकल, उसकी क्वांटिटी सॉल्यूशन में कम है, राइट। तो ये यहां पर हम लोग मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। आगे लॉ बोलता है कि भैया प्रोपोजिशन हटा करके जब इक्वल टू लगाओगे तो यहां पर आपको अब एक और टर्म कॉन्स्टेंट की तरह यूज करना पड़ेगा जिसको बुलाएंगे पी नॉट ए। आई रिपीट, पी नॉट ए, पी नॉट। ये नॉट क्यों लगा रखा है इसमें जिक्र करूंगा थोड़ी देर में। फिलहाल सॉल्यूट पर चलते हैं और सॉल्यूट के साथ भी सेम चीज देखी जाएगी। प्रोपोजिशन हटा करके इक्वल टू लगेगा तो पी नॉट बी लगाएंगे। अब ये स्टूडेंट पी नॉट ए और ये पी नॉट बी क्या है, ये हम अलग से समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। ये आपने स्टेटमेंट सबने कॉपी कर लिया आई होप। अगर स्टेटमेंट कॉपी नहीं करी सब लोग कॉपी वीडियो को पॉज करके इसे आप कॉपी कर लीजिएगा, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट। चलिए अब बात करते हैं, लेट्स से स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे यहां बात कर रहा हूं। दो वेसल्स ले रखे हमने, एक में हमने ले रखा है सिर्फ सॉल्वेंट, जी हाँ, और दूसरे वेसल में हमने ले रखा है सिर्फ सॉल्यूट। एक में ले रखा है सॉल्वेंट, एक में रखा है सॉल्यूट। ये है आपका प्योर सॉल्यूट और ये है आपका प्योर सॉल्वेंट। प्योर का मतलब समझते हैं आप लोग स्टूडेंट्स, प्योर का यहां पर मतलब है कि अभी इन दो लिक्विड्स को मिक्स नहीं करा गया। कैसे सॉल्यूशन पढ़ रहे हो, लिक्विड इन लिक्विड, तो सॉल्यूशन बनाने के लिए पहले मिक्स तो करोगे, करोगे बिल्कुल सही करोगे। सो अभी मैं बात कर रहा हूं ऐसी स्टेट के बारे में स्टूडेंट्स जहां आपने अपने दोनों लिक्विड्स को मिक्स नहीं किया हुआ, दो लिक्विड्स को आपने बीकर में रखा हुआ है और अब इनको मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन तैयार होगा। तो बेसिकली हम यहां पर बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स किसके बारे में, हम यहां पर बात कर रहे हैं बिफोर मिक्सिंग के बारे में। जी हाँ, अभी इनको मिक्स नहीं करा गया, अभी इनको मिलाकर के सॉल्यूशन नहीं बनाया गया। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, प्योर का मतलब ही क्या होता है, प्योर हम उस चीज को बोलते हैं जिसके अंदर आपको एक ही तरीके के पार्टिकल्स मिले। जैसे कि मान लो अगर आप बोल रहे हो कि ये प्योर सॉल्यूट है, तो प्योर सॉल्यूट का मतलब है कि इसके अंदर आपको सिर्फ सॉल्यूट के ही पार्टिकल्स मिलेंगे। अगर आप इसको बोल रहे हो प्योर सॉल्वेंट, तो प्योर सॉल्वेंट का मतलब है कि इसके अंदर आपको सिर्फ सॉल्वेंट के ही पार्टिकल्स मिलेंगे। सो याद रखिएगा हर एक लिक्विड का स्टूडेंट्स जब वो प्योर स्टेट में अवेलेबल हो, जब आपने किसी भी लिक्विड में कुछ और लिक्विड या कोई सॉलिड मिक्स नहीं कर रखा, मिक्स नहीं कर रखा, तो याद रखना स्टूडेंट इस स्टेट में उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है ना, उसको हम लोग नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट, नॉट लगा देते हैं। और याद रखिएगा सेम चीज मैं बात कर सकता हूं सॉल्वेंट के बारे में कि भैया अभी इसमें कुछ मिक्स नहीं कर रखा, अभी सॉल्वेंट प्योर है, और प्योर होने का मतलब है कि अभी इसके अंदर कुछ मिक्स नहीं हुआ हुआ। सो स्टूडेंट्स इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये नॉट यहां पर, सॉरी, ये नॉट यहां पर क्या बता रहा है जी। सो नॉट याद रखिएगा अब से इस पूरे सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर जहां पर भी हम लोग नॉट लगाएंगे, याद रखना किसी भी क्वांटिटी के ऊपर, किसी भी सिंबल के ऊपर, अगर सब सुपरस्क्रिप्ट पर, याद रखिएगा सुपरस्क्रिप्ट पे अगर नॉट लग गया तो समझ जाना वो प्योर सब्सटेंस को, प्योर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मिक्स होने से पहले के स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर दोनों लिक्विड्स को मिक्स कर दिया, अगर दोनों लिक्विड्स को मिक्स कर दिया, तब जाकर के आपका क्या तैयार होगा स्टूडेंट्स, तब जाकर के आपका तैयार होगा सॉल्यूशन। जी हाँ,
अब आपका तैयार हो चुका है आपका सॉल्यूशन, और जब सॉल्यूशन तैयार होगा तो अब क्योंकि दोनों लिक्विड्स आपस में मिक्स हो चुके हैं, तो एज यू कैन सी अब आपको थोड़े से वेपर मिलेंगे सॉल्यूट पार्टिकल के और थोड़े से सॉल्वेंट। एज यू कैन सी कि यहां पर अब स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं कि जब हम इन दोनों लिक्विड्स को मिक्स कर देंगे, आफ्टर मिक्सिंग, मिक्स करने के बाद की बात हो रही है, जब इनको मिक्स करके क्या बना डाला, सॉल्यूशन बना डाला, तो अब इस बारे में बात हो रही है, समझ रहे हैं? सो याद रखिएगा, जब सब्सटेंस प्योर था तो उसका वेपर प्रेशर नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और याद रखना जब कभी भी कोई लिक्विड प्योर फॉर्म में होता है तो उसका वेपर प्रेशर बदलता नहीं है, इट विल रिमेन फिक्स। रूम टेम्परेचर पे एक लिक्विड कितना वेपर प्रेशर डाल सकता था या एक सर्टेन टेम्परेचर पे क्या वेपर प्रेशर रहेगा, वो कभी बदल नहीं सकता, वो हमेशा फिक्स रहेगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करता, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्वांटिटी की बात कर रहा हूं। याद रखना ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा एक ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड नहीं करती। फाइन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से कहने का मतलब है मेरा कि भैया चाहे तुम 1 लीटर लो किसी लिक्विड को, चाहे 100 ml लो, चाहे 10 ml लो, उसका जो वेपर प्रेशर है ना वो सेम रहने वाला है, पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करेगा, अगर वो प्योर फॉर्म में है तो, प्योर फॉर्म में है तो पार्टिकल्स पे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अगर आपने मान लो इनको मिक्स करके आप क्या बना दिया है, सॉल्यूशन बना दिया, क्या बना दिया है, सॉल्यूशन बना दिया है, तो अब इनके कितने कितने पार्टिकल्स, कितनी कितनी क्वांटिटी आपने मिक्स करी है, इस पे वेपर प्रेशर जरूर डिपेंड करेगा। सो अब मैं आपको बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स कि जब आप इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो मिक्स करने के बाद, याद रखिएगा मिक्स करने के बाद अब जो इनका वेपर प्रेशर बनेगा स्टूडेंट्स, पी नॉट बी बदल कर बन गया पीबी, पी नॉट ए बदल के बन गया पीए, तो अब इनका वेपर प्रेशर जो बन रहा है इसे हम लोग बुलाते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। एज यू कैन सी सॉल्यूशन की बात हो रही थी तो सॉल्यूशन में तो दोनों प्रेजेंट होंगे, तो जो भी टोटल प्रेशर मिलेगा उसमें से कुछ प्रेशर होगा सॉल्वेंट का और कुछ प्रेशर होगा सॉल्यूट का। तो स्टूडेंट याद रखिएगा अब से हम इनके सम को, अगर मैं इनको सम कर दूं तो ये मुझे मिल जाएगा टोटल प्रेशर, ये मुझे मिल जाएगा टोटल प्रेशर, और ये टोटल प्रेशर कब मिला, जब हमने दोनों लिक्विड्स को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, क्या कर दिया स्टूडेंट्स, मिक्स। जब मिक्स करोगे तो अब यहां पर आपका जो पी नॉट ए है या पी नॉट बी जो है, अब वो बदल करके क्या बन जाएगा पीबी, और जो आपका पी नॉट ए था अब वो बदल करके क्या बन जाएगा पीए। इसके अलावा एक और चीज बताना चाहूंगा मैं आपको, याद रखना स्टूडेंट जब एक सब्सटेंस प्योर स्टेट में होता है, आई रिपीट, जब कोई सब्सटेंस प्योर स्टेट में होता है तो याद रखना उस केस में उसका वेपर प्रेशर 1 होता है, याद रखो, सॉरी उसका जो मोल फ्रैक्शन होता है स्टूडेंट्स वो 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, 1 का मतलब कि ये खाली इसी के पार्टिकल्स है ना, अगर प्योर सॉल्यूट है तो इसमें खाली सॉल्यूट के ही पार्टिकल्स है, तो अगर मैं इसका फ्रैक्शन निकालूंगा तो फ्रैक्शन का मिलेगा 1 मिलेगा, मैक्सिमम क्वांटिटी 1 होती है, फ्रैक्शन कभी 1 से ऊपर नहीं जा सकता, 1 ही होता है उसका मैक्सिमम, राइट। तो याद रखना ये भी एक कांसेप्ट को पता होना चाहिए कि जब कभी भी कोई सब्सटेंस, चाहे कोई दो लिक्विड हो, अगर वो प्योर फॉर्म में है तो उनका वेपर प्रेशर और उनका मोल फ्रैक्शन, सॉरी, 1 मिलेगा आपको, और दूसरे वाले का मोल फ्रैक्शन आपको क्या मिलेगा, 0। 0 का मतलब कि भैया जब लेट से प्योर सॉल्यूट है तो यहां सॉल्वेंट तो रहा नहीं, जब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही नहीं है तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या रहेगा, 0 रहेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन मैंने अभी बताया था क्वांटिटी पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां पार्टिकल्स है ही नहीं, सॉल्वेंट के यहां पार्टिकल्स है ही नहीं, तो सॉल्वेंट के अगर पार्टिकल्स ही नहीं होंगे तो उसका मोल फ्रैक्शन 0 रहेगा। जैसे प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे, आंसर इज नो, सॉल्यूट का एक भी पार्टिकल नहीं होगा यहां, जिसकी वजह से सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0, और सॉल्वेंट का 1। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये पी नॉट बी और पी नॉट ए का क्या कंसेप्ट है, इसे मैं थोड़ा सा अभी और डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल इसे आप कॉपी कर लीजिए, फिर उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे, जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसे हम लोग, आप राइट, मीनवाइल उसे आप कॉपी करें, इंपॉर्टेंट है वो चीज, ओके। आगे देखते हैं, सो स्टूडेंट्स अब आगे देखते हैं, अब यहां पर मैं एक नई चीज की बात कर रहा हूं, बाय डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। जी आपको लग रहा होगा कि सर नए नए नाम को ले आते हैं और उनके बारे में बताते कुछ नहीं है, तो स्टूडेंट बता इसलिए नहीं रहा क्योंकि जिनको डाल्टन्स लॉ पता है वो लोग जान चुके होंगे कि वो कहीं ना कहीं यहीं से आ रहा है। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, जब दोनों लिक्विड्स को मैंने मिक्स किया, अब अगर मुझे इस मिक्सचर का टोटल प्रेशर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे कुछ पार्टिकल्स मिलेंगे सॉल्यूट के, कुछ पार्टिकल्स मिलेंगे सॉल्वेंट के, तो दोनों के कुछ ना कुछ प्रेशर मिलेगा ना, जिसको हम लोग यहाँ पार्शियल बोल रहे हैं। पार्शियल मतलब कि टोटल में से कुछ प्रेशर ए का होगा, कुछ प्रेशर बी का होगा, क्या होगा, टोटल में से
कुछ प्रेशर ए का, कुछ प्रेशर बी का। सो अगर मैं इन दोनों को इंडिविजुअल प्रेशर ऐड कर दूं तो स्टूडेंट्स मैं बोल सकता हूं कि मुझे पूरे सॉल्यूशन का क्या मिल रहा है, वेपर प्रेशर। क्या मिल रहा है स्टूडेंट मुझे? पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मिल रहा है। और याद रखिएगा, जब कभी हम लोग किसी मिक्सर के, या सॉल्यूशन को कह लो, सॉल्यूशन भी एक होमोजेनियस मिक्सचर ही होता है, राइट? तो जब कभी किसी मिक्सर का हमें टोटल प्रेशर चाहिए होता है तो याद रखना उनको हम एल्जेब्रिकली प्लस कर देते हैं, और इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं स्टूडेंट्स? डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो याद रखिएगा, डाल्टन लॉ यही बोलता है कि भैया अगर किसी टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर चाहिए तो उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, मतलब सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का जितना भी वेपर प्रेशर मिल रहा है सॉल्यूशन में, उसे ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। सो यहां पर हम बात करेंगे अब कि टोटल प्रेशर अगर चाहिए तो बन जाएगा टोटल, पी टोटल किसके इक्वल होगा? पी ए प्लस पी बी के, जिसको हम लोग, पी ए का फॉर्मूला क्या है? पी नॉट ए इंटू मेट्स मोल फ्रैक्शन का ही है, और पी नॉट बी इंटू मेट्स मोल फ्रैक्शन का ही भी जी। सो ये आपका आ जाता है टोटल वेपर प्रेशर किसका? सॉल्यूशन का। किसका स्टूडेंट? सॉल्यूशन का। क्योंकि रॉल्स लॉ में, फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम बात कर रहे हैं ऐसे सॉल्यूशन के बारे में जहां पर हम दो लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। सो स्टूडेंट्स यहां पर हम लोग ये जो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो है, काई बी स्टूडेंट्स, इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं? आंसर इज यस, लिख सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जब मोल फ्रैक्शन ऐड कर देते हैं तो ये इसका सम हमेशा 1 के इक्वल होता है। मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा उन सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा सॉल्यूशन सीरीज का, उस लेक्चर का वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इस वीडियो लेक्चर के, उसको देखेगा जरूर, तभी जो मोल फ्रैक्शन की चीजें हम मैथमेटिकली यहां यूज कर रहे हैं वो तभी समझ में आएगी। फाइन, सो नाउ बात हो रही है आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ काई बी को, 1 माइनस काई है, अगर काई बी चाहिए तो 1 माइनस काई लिख सकते हो उसे। सो पी टोटल आपका यहां बन जाएगा पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू काई ए। इसको हम लोग थोड़ा जनरलाइज करके सिंप्लीफाई कर रहे तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स आपका पी नॉट बी प्लस काई ए इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। जी हाँ, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जी हाँ, पी नॉट ए, देखिए काई ए कॉमन था दोनों में, मैथमेटिक्स का कुछ नहीं है, काई ए कॉमन था, पी नॉट ए क्योंकि पॉजिटिव है तो मैंने इसको आगे रखा, और पी नॉट बी के आगे आप देखते हो माइनस लगा हुआ है तो आई पुट माइनस है, राइट? तो ये आपका एक सिंप्लीफाइड जनरल फॉर्मूला आ गया किसका? आपके टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन का। सो एज यू कैन सी स्टूडेंट्स कि दिस इज हाउ वी डिफाइन द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। फंडामेंटल पी नॉट ए पी नॉट बी का भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर किसी स्टूडेंट को ये डाउट है कि सर प्योर स्टेट में चला जाऊंगा। प्योर स्टेट का मतलब जब मैंने दोनों लिक्विड को मिक्स नहीं किया था, और मैंने अभी भी बताया जब कोई लिक्विड प्योर होता है तो उसका मोल फ्रैक्शन 1 होता है। तो अगर प्योर सॉल्वेंट होगा तो मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा इसका? 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और पीए, अब पीए ना बनके क्या रहेगा प्योर स्टेट में, क्या कहलाते हैं इसे? पी नॉट ए। पी नॉट ए का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो इस पीए को मैं क्या लिख सकता हूं? पी नॉट ए लिख सकता हूं, जिससे आप लोग देख सकते हैं कि K क्या बन जाएगा यहाँ पर? P नॉट A, यानी मैं K की जगह पर, यानी K जो कि आप प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट की तरह यूज कर रहे थे, उसको आप लोग क्या लिख सकते हैं? P नॉट A लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। आप एज यू कैन सी कि उस K की जगह पे आप लोग P नॉट A पुट कर सकते हो, इसलिए यहाँ पर P नॉट A और P नॉट B को कांस्टेंट की तरह ट्रीट
करा जा रहा है, क्योंकि हर सब्सटेंस के लिए ये दोनों चीजें कांस्टेंट होती है, राइट? सो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर रॉल्स लॉ। याद रखना, इस क्वेश्चन में अगर कोई न्यूमेरिकल करेंगे अभी हम लोग, तो उसमें कभी भी अगर मोल फ्रैक्शन पूछा गया है और आपको पूरे न्यूमेरिकल में सिर्फ वेपर प्रेशर दे दिए, पूछा गया है मोल फ्रैक्शन और आपको दिए हुए सिर्फ वेपर प्रेशर, किस चीज का, सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का या सॉल्यूशन का, टोटल प्रेशर दे रखा है, तो वहां पर हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बट जनरल केस में यू कैन ऑल्सो इधर यूज दिस और दिस, आप इसे भी यूज कर सकते हो। सो फिलहाल आप इन सबको कॉपी कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, क्योंकि अब मैं इसे हटाने वाला हूं, हटा दिया जाए। चलिए इसको पूरे को नहीं हटाते, फिलहाल इस डायग्राम को हटा देते हैं। और अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एक नई टर्म के बारे में, एक ऐसा टर्म जो शायद ऐसे सॉल्यूशंस में, याद रखिएगा, एक ऐसा टर्म जो ऐसे सॉल्यूशन में यूज होता है जिनमें हम बात करते हैं दो लिक्विड के मिक्सचर्स के बारे में, बिल्कुल। सो स्टूडेंट्स, अभी मैंने बताया था आपको, जब हम सॉलिड और सॉल्वेंट को मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, आपको जो वेपर्स मिलेंगे वो आपको सॉल्यूट के भी मिलेंगे और सॉल्वेंट के भी मिलेंगे। जी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बिल्कुल सही, क्योंकि आप सॉल्यूशन में, लिक्विड में आपके दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट है। सो एज यू कैन सी स्टूडेंट्स कि अब आपका वेसल क्लोज है, ठीक है, क्लोज कर देते हैं इसको। नाउ एज यू कैन सी स्टूडेंट्स कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जिन दोनों से मिलाकर हम सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, उसके आपको कुछ पार्टिकल्स लिक्विड फॉर्म में मिल रहे हैं और कुछ पार्टिकल वेपर फॉर्म में मिल रहे हैं। किसमें मिल रहे हैं? लिक्विड और वेपर फॉर्म में मिल रहे हैं, जिसके चलते अब हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट एक ऐसे मोल फ्रैक्शन के बारे में, जिसको हम लोग डिफाइन करेंगे किसके अंदर, वेपर फेज में। कहां डिफाइन करेंगे? वेपर फेज में। यानी कि याद रखिएगा, अगर आपका लिक्विड पार्टिकल, अगर आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल लिक्विड फॉर्म में था, तो इसके लिए हम लोग जो मोल फ्रैक्शन डिफाइन कर रहे थे वो था काइए और काइबी। क्या था? काइए और काइबी था। लेकिन क्योंकि अब कुछ पार्टिकल किस फॉर्म में प्रेजेंट है? वेपर फॉर्म में, तो कन्वर्ट है ना, कुछ पार्टिकल अब लिक्विड से कन्वर्ट हो गए वेपर फॉर्म में, राइट? सो याद रखिएगा, वेपर फॉर्म में जो स्टूडेंट्स अब मेरे जो पार्टिकल्स मिल रहे होंगे, अगर उन पार्टिकल्स का मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना हुआ, तो उसको अब से मैं बुलाऊंगा YA और YB, और इस YA और YB को हम रिप्रेजेंट करेंगे वेपर फेज मोल फ्रैक्शन से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन से। इसके अलावा एक और चीज, समटाइम्स यू ऑल्सो मे फाइंड कि कुछ क्वेश्चंस में बात करेगा वो कंपोजिशन के बारे में। किसके बारे में? कंपोजिशन के बारे में, जी हाँ। तो याद रखना स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन में बात हो रही है कंपोजिशन के बारे में, तो समझ जाएगा कि वहां पे बात हो रही है मोल फ्रैक्शन के बारे में, क्योंकि मोल फ्रैक्शन भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर कोई सॉल्यूशन तैयार है तो कितना कितना हिस्सा दोनों का प्रेजेंट होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कितने कितने पार्ट प्रेजेंट होंगे। और यहां पर भी हम बात कर रहे हैं उसी के बारे में कि भैया अगर वेपर बन रहे हैं, अगर वेपर प्रेशर आएगा तो कितना वेपर प्रेशर आएगा सॉल्वेंट से, कितना वेपर प्रेशर आएगा सॉल्यूट से, तो इसको हम लोग बुलाते हैं वेपर मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। वेपर फेज मतलब जो पार्टिकल्स वेपर में बने हुए हैं उन्हें बुलाएंगे हम मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। चलिए अब अगर मैं आपसे नॉर्मल मोल फ्रैक्शन की बात करूं, तो उसका फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था कि अगर आप सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, ए का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, तो हम लोग ए के मोल्स न्यूमिरेटर में रखते हैं और डिवाइड कर देते हैं टोटल से। टोटल का मतलब ए और बी को ऐड कर दो तो टोटल मिल जाएगा। और सेम वे मैंने बताया था, अगर आप सॉल्यूट का, याद रखना बी से हम सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? तो अगर आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो मैंने पढ़ाया था कि सॉल्यूट के मोल्स न्यूमिरेटर में डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा इनका मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फॉर्म, जो कि हम लोग यहां की बात कर रहे हैं, राइट? चलिए अब हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन किसके अंदर, वेपर फेज के अंदर। किसके अंदर? वेपर फेज में। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पढ़ाया था कि मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? रेशियो लेना। रेशियो मतलब पी बाय क्यू फॉर्म। न्यूमरेटर में रहेगा कुछ और कुछ डिनोमिनेटर में रहेगा। अगर मैं ऊपर वाला फॉर्मूला देखूं, तो उससे मुझे समझ में आ रहा है कि
कि भैया ये फॉर्मूला मुझे बोल रहा है कि जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालो उसके मोल्स को रख दो ऊपर और डिवाइड कर दो टोटल से, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स रखो ऊपर डिवाइड कर दो टोटल से। क्योंकि अब यहां पर हम बात कर रहे हैं वेपर फेज के बारे में, और वेपर फेज में वेपर के पास प्रेशर होगा। कैसा प्रेशर होगा? वेपर प्रेशर होगा, राइट? याद हो रहा होगा ना कि आज का वीडियो लेक्चर है ही वेपर प्रेशर के बारे में। सो वेपर प्रेशर होगा इनके पास, इन पार्टिकल्स के पास जो वेपर फॉर्म में है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं फॉर्मूला तो सेम यूज करूंगा, रिपीट कर रहा हूं मैं फॉर्मूला और फंडामेंटल सेम लगाऊंगा, लेकिन अब मैं मोल्स ना रखकर स्टूडेंट्स क्या रख दूंगा, वेपर प्रेशर रख दूंगा सब्सटेंस का। अगर आप वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर को न्यूमरेटर में रखेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल के साथ। देखिए फॉर्मूला लगभग आइडेंटिकल है, बस फर्क किस चीज का, ऊपर था मोल, नीचे है वेपर प्रेशर उस सब्सटेंस का। सेम वे अगर आप सॉल्यूट का वेपर मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो वेपर फेज में, तो आपको सॉल्यूट का प्रेशर ऊपर रखना पड़ेगा और डिवाइड कर देंगे टोटल से। सो दैट्स हाउ वी डिफाइन द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। क्या बोलेंगे इसको? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, या सिंपली फ्रैक्शन इन वेपर फेज, कि कितने पार्टिकल वेपर फेज में प्रेजेंट है। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द मोल फ्रैक्शन वेपर फेज स्टूडेंट्स। क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन सिर्फ वहीं लग सकता है जहां सब्सटेंस वोलेटाइल हो, जहां पर आपका लिक्विड पार्टिकल वेपर बना रहा हो। वेपर बनेगा तभी तो वेपर फेज में आएगा ना मोल फ्रैक्शन। तो इसलिए ये जो टर्म है ना मोल फ्रैक्शन, ये हम हर जगह यूज नहीं कर सकते, ये सिर्फ सॉल्यूशंस के मोल फ्रैक्शन, या ऐसे सॉल्यूशन जहां हम लोग दो लिक्विड्स को मिक्स करते हैं वहीं पर इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द ओवरऑल फंडामेंटल ऑफ योर व्हाट डू वी कॉल मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज की बात करी जा रही है। फाइन, तो इसे आप सब लोग कॉपी कर लीजिएगा। और अब इसके बाद हम स्टूडेंट्स बात करने जा रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में, ऐसे न्यूमेरिकल्स जो इस टॉपिक पे आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर न्यूमेरिकल आया तो कैसी कैसी लैंग्वेज आपको वहां पर दे रखी होगी, राइट? सो हटा देते हैं इसको भी। चलिए अब इसको हटा करके लेट्स प्रैक्टिस सम न्यूमेरिकल्स। स्टूडेंट्स नाउ लेट्स कंसीडर द क्वेश्चंस और देखते हैं कि कैसे कैसे फॉर्मूलास पे इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट? चलिए तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन लगाते हैं इसके ऊपर हम लोग, और देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स को कर पाएंगे। ओके, चलिए पहले इजी सा क्वेश्चन लेते हैं। एक प्योर लिक्विड ए एंड बी हैव वेपर प्रेशर 450 450 mm of Hg, याद रखिएगा ये यूनिट होती है प्रेशर की, mm of Hg, and 700 mm of Hg. Calculate the composition of the mixture if total pressure is 600 mm of Hg, and also calculate the composition in vapor phase. Point to be noted students, vapor phase में भी उसने पूछा है कि बताइए क्या composition, यानी कि मोल फ्रैक्शन रहेगा, यानी कि ये क्वेश्चन बात कर रहा है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज के बारे में। तो चलिए इसको आप लोग देख चुके हैं, इसको अटेम्प्ट करिए वीडियो को रोक करके, और फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। फाइन, चलिए फिर ट्राई करते हैं इसको। जैसे कि स्टूडेंट्स मैं आपको हमेशा बोलता हूं एक चीज कि देखिए केमिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसको अटेम्प्ट करने का सिंपल सा बेसिक तरीका यही है कि पहले आप लोग उस क्वेश्चन का जो जो डाटा इंफॉर्मेशन गिवन हो सब लिख लो या समझ लो, उसके बाद उसको ट्राई करिए, राइट? सो एज यू कैन सी कि प्योर लिक्विड का मतलब है कि आपको पी नॉट ए एंड पी नॉट बी गिवन है
700 mm of Hg. और as you can see, 600 आपको जो दे रखा है ये क्या है, टोटल है. As you can see, टोटल दे रखा है आपको, ये कितना है टोटल, 600 mm of Hg. अगर आप सबको याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला हमने लिखा था, ये फॉर्मूला जी, ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था किस फॉर्मूले में, कि अगर आपको तीनों वेपर प्रेशर गिवन हो, सॉल्यूट का, सॉल्वेंट, प्योर स्टेट का और टोटल प्रेशर अगर गिवन है, तो आप लोग यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, क्योंकि देखो कंपोजिशन का मतलब वो आपसे काइये का भी पूछ रहा है. सो एज यू कैन सी स्टूडेंट्स, यहाँ से आप लोग काइये निकाल सकते हो, खाली इन तीनों प्रेशर को पुट कर दो, आंसर आ जाएगा. दैट इज 600 इक्वल टू पी नॉट बी, कितना दिया रखा हम लोगों को, 700 प्लस काइये और पी नॉट ए है हमारे पास 450 माइनस 700. इसको यहां लाके माइनस कर देते हैं, ये माइनस होके बनेगा 250, ये बनेगा माइनस 100. इसको हम यहां पे ले आते हैं स्टूडेंट्स, माइनस से माइनस गया 0.4. तो आप देख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ चुका आपके पास 0.4. और एज आई टोल्ड यू कि अगर आपको दूसरा सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन चाहिए, लेट्स से काई भी चाहिए, तो क्या करेंगे, 1 से माइनस कर देंगे तो काई भी आ जाएगा, दैट इज 0.6 स्टूडेंट्स. यस, 1 से माइनस करके मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी आ जाएगा. तो क्वेश्चन का पहला पार्ट तो यही से हो जाता है कि आपको काई काई भी कंपोजिशन का मतलब मोल फ्रैक्शन निकालना था नॉर्मल सॉल्यूट और सॉल्वेंट का. अब आता है वेपर फेज में. तो वेपर फेज मैंने जैसा अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था आपको, इसका फॉर्मूला होता है P not A into का ये, P A होता था ऊपर, जिसको हम P not A into का ये लिख सकता हूँ, divided by total. Total मतलब जो total given है, तो P A plus P B add करने की ज़रूरत नहीं है. Alright, चलिए. So ये आपका आएगा कितना? अगर हम यहाँ calculate करें तो ये आपका रहेगा 450 multiplied by 0.4 upon में 600. ये decimal गया, ये आपका 10 लग गया, ये आपका 4 से गया, ये आपका 15 थ्री जगह, तो ये आपका बनेगा स्टूडेंट्स 0.3. और अगर आपको y भी निकालना है तो उसके लिए आप लोग 1 से माइनस भी कर सकते हो और सॉल्व भी कर सकते हो. मैं फिलहाल फॉर्मूला लगा करके आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं. सो ये आपका बन जाएगा 700 मल्टीप्लाई बाय 0.6 अपॉन में 600. तो ये आपका 0 लग गया, ये आपका 1000 से गया, तो ये आपका आ गया 0.7. आप देख सकते हो दोनों को ऐड करोगे तो 1 आएगा. अब आप लोगों को इस क्वेश्चन में एक चीज शायद नोटिस करी हो कुछ स्टूडेंट्स ने, और काफी ने हो सकता है नोटिस ना भी करी हो. और चीज क्या है, वो चीज है कि सर अगर पी नॉट है, पी नॉट भी आपको जो दे रखे हैं, जब उनका पी ए पी भी आप निकालोगे तो उसको जब सम करके निकालोगे तो वो आपका 600 के इक्वल आएगा. ऑलराइट, तो काफी स्टूडेंट यहाँ गलती कर देते हैं कि वो इसको ऐड करके पी टोटल निकालना शुरू कर देते हैं. तो पी नॉट है, पी नॉट भी से पहले हम लोग पी ए पी भी निकालेंगे, याद रखना, पी ए पी भी निकालेंगे फिर उसको ऐड करेंगे तो आंसर लगभग लगभग सेम आएगा. ओके, तो ये आपको न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स ऐसे सॉल्व करना था. इसका सॉल्यूशन आप लोग कॉपी कर लीजिएगा क्योंकि अब मैं इसको रब कर रहा हूं. और अब हम लोग चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि थोड़ा सा और मजेदार और थोड़ा सा ट्रिकी है. चलिए देखते हैं. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट अ मिक्सचर ऑफ टू वोलाटाइल components A and B have total vapor pressure. आपको total vapor pressure दे रखा है component का, और इस बार total vapor pressure दिया हुआ है आपको कुछ ऐसे, जी हाँ आपको दिया हुआ है कुछ ऐसे दिया हुआ है इस बार, और आगे लिखा हुआ है where काये is the मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. कैलकुलेट पी नॉट ए एंड पी नॉट बी. यस स्टूडेंट, सबको समझ आया होगा, कॉपी कर लो, ट्राई करो क्वेश्चन को, और फिर वीडियो को पॉज से हटा करके मैं इसका सॉल्यूशन आपको दूंगा. मीनवाइल सब ट्राई करें प्लीज पॉज करके. चलिए ट्राई करते हैं अब. शो पॉइंट कल सबने ट्राई. सो अब अगेन आपको लग रहा होगा स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन है इस बार
देखिए फंडामेंटल क्या था कि पी इक्वल टू आपको ये दिया हुआ है और टोटल प्रेशर बोर्ड रखा था, तो ये कहने का पीटी ही है, ये आपको टोटल प्रेशर की इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। सो ये इक्वेशन को अगेन मैं अपनी जनरलाइज्ड इक्वेशन के क्या कर सकता हूं, इक्वेट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, बिल्कुल सही, ये कर सकता हूं कि नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं, सॉरी ये रहेगा राइट, इसको इससे इक्वेट कर सकता है बिल्कुल, और आपकी जो इक्वेशन है वो है ये, दैट इज 254 माइनस 1.9 इनटू का ये। नाउ एज यू कैन सी स्टूडेंट्स कि अगर इक्वेशन को दोनों इक्वेशन को इक्वेट करूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो 254 है क्या होगा, पी नॉट भी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा कि नहीं होगा, पी नॉट बिल्कुल होगा। और देखो अब यहां पे थोड़ा सा आपको संभल के करना पड़ेगा, क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, बिकॉज आपकी जो इक्वेशन दे रखी है उसमें माइनस है और हमने जो इक्वेशन लिया उसमें प्लस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरे माइनस साइन के साथ इसको लेना पड़ेगा, और इस पूरे माइनस साइन के साथ आपको जो ब्रैकेट में काई के साथ जो ब्रैकेट में टर्म दी हुई है इसके साथ में से क्या कर दूंगा, इक्वेट कर दूंगा, क्या कर दूंगा स्टूडेंट्स, इक्वेट कर दूंगा। सो आई हैव द इक्वेशन पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इक्वल टू माइनस 119, पी नॉट बी क्योंकि मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, दैट इज 254 इक्वल टू 119 माइनस के साथ, तो पी नॉट ए क्या बन जाएगा, 254 माइनस 119 दैट इज टू बी 135। अच्छा ये आपको जो प्रेशर था ये आपको टॉर में दिया हुआ था, आई रिपीट, ये आपको टॉर में दिया हुआ था, टॉर इज ऑल्सो वन ऑफ द यूनिट ऑफ योर वेपर प्रेशर, ओ प्रेशर की यूनिट होती है बेसिकली एक, राइट, तो आपको यहां पर भी जो आंसर मिलेगा वो टॉर में मिलेगा और यहां पर भी जो आंसर मिलेगा वो टॉर में मिलेगा। तो कई बार क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी दे सकता है, तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं अपने जेई लेवल के अंदर या आपके बोर्ड लेवल के अंदर, राइट, तो इसको भी आप कॉपी कर लीजिए सब लोग, क्योंकि अगेन इसको रख करके हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हटा दिया जाए, चलिए। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए ये क्वेश्चन अब आपका इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और फिर हम चलेंगे अगले वीडियो लेक्चर की तरफ एक बहुत ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के। सो नाउ वी हैव हियर इज एन आइडियल सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 25 ग्राम ऑफ हेप्टेन, जी हाँ हेप्टेन ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, फॉर्मूला इसको दिया रखा आपका C7H16, फॉर्मूला का नहीं दे रखा तो आप ऑर्गेनिक कंसेप्ट को यूज करके पता कर सकते हैं, एंड 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, ऑक्टेन का फॉर्मूला C8H18, जी हाँ देयर वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट इज आपको दिया हुआ ये 105 किलो पास्कल, ये है आपके हेप्टेन का, एंड 45 किलो पास्कल ये है आपके ऑक्टेन का, और क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर निकालना है स्टूडेंट, यस बढ़िया, आप लोगों ने कॉपी कर लीजिए इसको और ट्राई करिएगा, इसे अटेम्प्ट करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, पॉज करके फाइन, क्योंकि अब मैं फिर इसके बाद आपको दिखाऊंगा इसे कैसे सॉल्व करना है, तो चलिए देखते हैं अब कैसे करना है इसको स्टूडेंट सॉल्व, राइट फाइन। सो नाउ हियर, सो इस बार देखिए स्टूडेंट आपको निकालना है टोटल प्रेशर, और टोटल का अगर हम फॉर्मूला लगाए स्टूडेंट्स इस बार टोटल का फॉर्म लगेगा ये वही पी नॉट हेप्टेन का इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन, पी नॉट ऑफ ऑक्टेन मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन, लेकिन इस बार आपको मोल फ्रैक्शन खुद निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इस बार आपको हेप्टेन और ऑक्टेन का क्या दिया हुआ है, वेट गिवन है, तो एक काम करते पहले हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालते हैं हेप्टेन का, हेप्टेन का वेट जैसे कि आप देख सकते हैं आपको दे रखा है
25, और उसका जो फॉर्मूला दिया हुआ है स्टूडेंट, उससे अगर आप इसका मोलर मास निकालेंगे तो वो 100 आएगा, प्लस 35 दिया था ऑक्टेन आपको, और ऑक्टेन का वे मोलर मास होता है 114। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो यह बनेगा 0.5 और यह बनेगा 0.031। जिसको आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो यह बन जाएगा आपको 0.567, दैट इज आउट टू बी 0.45। ये आपका स्टूडेंट्स मोल फ्रैक्शन आएगा हेप्टेन का 0.45, और ऑक्टेन का 1 से माइनस कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा 0.55। कितना बनेगा? 0.55। सो एज यू कैन सी, इस बार आपको इंडिविजुअली मोल फ्रैक्शन इन दोनों का निकालना था, जिसके लिए आपको वेट और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ था। बिल्कुल सही। चलिए अब एक काम करते हैं, हमें दोनों का इंडिविजुअल वेपर प्रेशर पता है, दैट इज 105 मल्टीप्लाई बाय 0.5, और ऑक्टेन का कितना है 45 मल्टीप्लाई बाय 0.55। इसको आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका सॉल्व करा करा के स्टूडेंट्स आएगा 72 किलो पास्कल। याद रखिएगा किलो पास्कल, वैसे तो प्रेशर की ऐसे यूनिट होती है पास्कल, लेकिन यहाँ आप चाहे तो उसे किलो पास्कल में भी छोड़ सकते हो, क्योंकि आप देख सकते हो कि आपको दोनों वेपर प्रेशर किलो पास्कल में ही दिए हुए थे, दोनों वेपर प्रेशर आपको किलो पास्कल में ही दे रखे थे। तो अगर आप चाहो इसे पास्कल में बना सकते हो 10 की पावर 3 लगाकर, एक ही बात है, राइट? सो दैट्स हाउ वी डिफाइन द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। सो आई होप आप लोगों को आज जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है इस वीडियो लेक्चर में वो समझ आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो लेक्चर को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं अगले वीडियो लेक्चर में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आऊंगा आपके पास, तब तक के लिए गुड बाय।